वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। फिर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीयू के पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आईपीयू में पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या पूछा जाता है, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, टोटल कॉलेज कितने हैं, उनमें सीट्स कितनी है, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, बेस्ट बुक्स क्या है, इस तरह की सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक से शुरुआत करेंगे कि आईपीयू में पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। यहाँ पे टोटल 5 कोर्सेज हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बता भी देता हूं। इसमें सबसे पहला है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी, ये 4.5 साल का कोर्स है। दूसरा है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स यानी कि बीपीओ, ये भी 4.5 साल का कोर्स है। तीसरा है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि बीओटी, ये 4.5 साल का कोर्स है। चौथा है बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि BSc MLT, ये 3 साल का कोर्स है। और पांचवा है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी कि BASLP, ये 4 साल का कोर्स है। तो आईपीयू में टोटल यही 5 कोर्सेज हैं जो कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए या तो आप क्लास 12 में पढ़ते हों या आप क्लास 12 पास हो चुके हों और आपने अपनी क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ये चारों ही सब्जेक्ट पढ़े हों और आप चारों ही सब्जेक्ट में पास हों, और इसके अलावा आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों सब्जेक्ट के मिला के कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा आ रहे हों तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को आईपीयू खुद ही कंडक्ट करवाता है और जिसको हम आईपीयू CET बोलते हैं। ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है यानी कि आपको सेंटर पे जाना होता है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर मिलेगा इस एग्जाम को करने के लिए। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे ही क्वेश्चन MCQ टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का होता है और एक आंसर गलत करने पे यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। पूरा पेपर करने के लिए आपको 2 और 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये इस एग्जाम का पैटर्न रहता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपका फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो इसमें आपका जो क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, वही सिलेबस यहाँ पे भी पूछा जाता है। तो ये इसका सिलेबस हो गया। अगर आपको सिलेबस को और डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा आईपीयू पैरामेडिकल कोर्सेज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उस लिंक के पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट का एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में लिखा हुआ दिखेगा, वहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं या वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सिलेबस हो गया, वहाँ से आप एक बार चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होता है और जिसके लिए आपको 1200 रुपए की फीस का पेमेंट करना होता है। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के कुछ टाइम के बाद इसका एडमिट कार्ड आ जाता है। एडमिट कार्ड पे आपका एग्जाम किस जगह पे है, किस डेट को है और टाइमिंग क्या है, सब कुछ मेंशन रहता है। तो उसके हिसाब से आप अपना एग्जाम दे आएंगे और एग्जाम के बाद फिर आपका करीब 2 या 3 हफ्ते के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसमें आपकी कितनी रैंक अलॉट हुई है ये आपको पता चल जाता है। उसके बाद फिर काउंसलिंग शुरू होती है। काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है और उसके बाद फिर आपकी रैंक के हिसाब से यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एडमिशन चलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आईपीयू में टोटल कॉलेज कितने हैं और किस कॉलेज में कौन सा कोर्स कराया जाता है, उसमें सीट क्या है और फीस कितनी है। ये सारी चीजें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार बता भी देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीओ कोर्स के बारे में। इस कोर्स में टोटल 2 कॉलेज आते हैं। पहला आपका है ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में नाम बता दे रहा हूँ, बाकी पूरा नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप वहां से पढ़ लेना। तो इस कॉलेज में टोटल 25 सीट्स हैं और इसका जो फीस है वो करीब आपका 93,000 रुपीज के आसपास एक साल की फीस रहती है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है तो इसलिए यहाँ की जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। इस कॉलेज में टोटल 16 सीट्स हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसकी फीस थोड़ी आपकी कम रहती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीपीटी कोर्सेज की, तो बीपीटी में भी टोटल 2 ही कॉलेज हैं। एक है आपका बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें टोटल 60 सीट्स हैं और दूसरा आपका है ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, इसमें आपकी
50 सीट्स हैं और इन दोनों ही कॉलेज की आपकी जो फीस है बराबर सी रहती है, करीब यहाँ पे 93,000 रुपीस के आसपास एक साल की फीस रहती है। और इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी एमएलटी कोर्स के बारे में। तो टोटल तीन कॉलेज हैं आईपीयू के अंदर जो बीएससी एमएलटी कोर्स ऑफर करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल 30 सीट्स हैं। दूसरा है कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें भी 30 सीट्स हैं। और तीसरा है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, इसमें 25 सीट्स हैं। और बीएससी एमएलटी की अगर मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पे करीब आपकी एक साल की फीस 45,000 रुपीस के आसपास रहती है। और अब हम बात करते हैं बीएएसएलपी कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपका एक ही कॉलेज है जो इस कोर्स को ऑफर करता है और इस कॉलेज का नाम है अली यवरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप। इसमें टोटल 20 सीट्स हैं और यहाँ पे एक साल की फीस आपकी करीब 80,000 रुपए के आसपास रहती है। और हमारा आखिरी कोर्स है बीओटी, इसमें भी एक ही कॉलेज है, उसका नाम है आईएसआईसी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज। इसमें टोटल 25 सीट्स हैं और इसकी एक साल की फीस करीब 93,000 रुपीस के आसपास रहती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद अगर आपको सिलेबस के बारे में और डिटेल में जानना है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, या फिर आपको जानना है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, या बेस्ट बुक कौन सी इसको मैं रेफर करता हूँ, तो उन सब चीजों के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट का एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। वो पूरा आर्टिकल आईपीयू पैरामेडिकल पे ही लिखा गया है, तो उसके ऊपर चेक कर लेना। वहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि बेस्ट बुक कौन सी है, कट ऑफ कितनी जाती है, या सिलेबस में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, सब कुछ वहाँ पे आपको दिखेगा। तो एक बार उसको जरूर से जरूर चेक कर लेना। वो लिंक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो उसको जरूर से जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।